हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अनुपात और समानुपात चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ट्रिक बताने वाला हूँ और यह क्वेश्चन हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज किस वीडियो को। तो दोस्तों, अनुपात और समानुपात का हमारा पहला क्वेश्चन है 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो दोस्तों देखिए, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 17:19 दो संख्याएं हैं और इन दो संख्याओं के प्रत्येक पद में से हम कौन सी संख्या घटाएं कि जो अनुपात है वो 5:7 हो जाए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 17 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, 19 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या हमारी 5:7 हो जाए। तो दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आप किस प्रकार से हल करेंगे समझिए। दोस्तों, आप पहली संख्या लिखिए फिर दूसरी संख्या लिखिए। पहली संख्या क्या हमारी 17 है, तो पहली संख्या के नीचे 17 लिखिए। दूसरी संख्या क्या हमारी 19, तो दूसरी संख्या के नीचे 19 लिखिए। और दोस्तों, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाएं, तो हमें संख्या घटानी है और घटाकर अनुपात कितना बनाना है 5:7। तो 5 हमारी पहली संख्या है, 7 हमारी दूसरी संख्या है। तो दोस्तों, 17 के नीचे 5 लिखिए, 19 के नीचे 7 लिखिए, ठीक है। जो अनुपात हमें बनाना है 5:7, तो 5 हमारी पहली संख्या है इसलिए मैंने 17 के नीचे 5 लिखा, 7 हमारी दूसरी संख्या है इसलिए मैंने 19 के नीचे 7 लिखा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको कैंची गुणा करनी है। 7 की मल्टीप्लाई 17 में करनी है और 5 की मल्टीप्लाई 19 में करनी है, ठीक है। तो हम दोस्तों यही करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे। तो 7 की मल्टीप्लाई जब मैं 17 में करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा 17:7। फिर क्या करना आपको, माइनस लिखना है। फिर आपको 5 की मल्टीप्लाई 19 में करनी है, तो 5 की मल्टीप्लाई जब मैं 19 में करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 19:5, ठीक है, अपॉन। अब दोस्तों हमें अनुपात क्या बनाना है, हमें अनुपात बनाना है 5:7। हमें 17:19 में से ऐसी संख्या घटानी है जिससे हमारा अनुपात 5:7 हो जाए। तो दोस्तों, जो अनुपात हमें बनाना है उन अनुपाती संख्याओं का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। हमें 5:7 बनाना है इसलिए हमें 5:7 का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कैसे लेते हैं, घटा के। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा अपॉन में 7-5। क्या लिखूँगा दोस्तों, 7-5। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, 17 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगा, तो 17 कितने होते हैं 119, माइनस 19 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा कितना हो जाएगा 95, 19×5 95 अपॉन 7 में से 5 गए कितने बचा, 2 बचा, तो 2 लिखूँगा अपॉन में। अब दोस्तों देखिए, 119 में से 95 गए तो कितने बचे, 24 बचे हुए। 119 में से 95 गए तो कितने बचे, 24, अपॉन में क्या है 2, तो 2 लिखेंगे अपॉन में। अब दोस्तों 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 12। तो दोस्तों 12 वह संख्या है जिसे हम 17 में से घटाएं और 19 में से घटाएं तो अनुपात हमारा 5:7 हो जाएगा। आप चाहें तो घटा के देख लीजिए, मैं 17 में से 12 घटाता हूँ, ठीक है, अनुपात 19 में से 12 घटाता हूँ, ठीक है। तो 17 में से 12 गए 5, अनुपात 19 में से 12 गए 7। तो दोस्तों हमारा अनुपात क्या बनेगा, 5:7। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमारी ट्रिक बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो दोस्तों देखिए, हमें प्रश्न में कहा गया है कि 3:5 के प्रत्येक पद में हम क्या जोड़ें जिससे अनुपात हमारा 2:3 हो जाए। तो 3 और 5 हमारी दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं में हमें एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे अनुपात हमारा 2:3 हो जाए। तो दोस्तों हम पहली संख्या लिखेंगे और दूसरी संख्या लिखेंगे। पहली संख्या हमारी 3 है तो पहली संख्या के नीचे 3 लिखेंगे, दूसरी संख्या हमारी 5 है तो दूसरी संख्या के नीचे हम 5 लिखेंगे।
और दोस्तों 3:5 के प्रत्येक पद में हमें ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे 2:3 हो। तो 2 हमारी पहली संख्या है, इसलिए 3 के नीचे 2 लिखेंगे। 3 हमारी दूसरी संख्या, इसलिए 5 के नीचे 3 लिखेंगे। ठीक है, मतलब पहली संख्या के नीचे 2, दूसरी संख्या के नीचे 3। इतने बात समझ भाई। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको कैंची गुणा करनी है। 2 की मल्टीप्लाई अब आपको 5 से करनी है, 3 की मल्टीप्लाई आपको 3 से करनी है। तो जब मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 5 × 2 माइनस। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो मेरा हो जाएगा 3 × 3 अपॉन। दोस्तों हमें अनुपात क्या बनाना है, हमें अनुपात बनाना है 2:3। तो दोस्तों जो अनुपात हमें बनाना है उन संख्याओं का हमें डिफरेंस लेना है, हमें 2:3 बनाना है। तो 2:3 का हमें डिफरेंस लेना, तो डिफरेंस कैसे लेते हैं, घटा के। तो 3 में से मैं 2 को घटा दूंगा, तो अपॉन में लिखूंगा 3 − 2। ठीक है दोस्तों, अब 5 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 10 माइनस। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो क्या आएगा, 9 अपॉन। 3 में से 2 गया कितना आएगा, 1। अब 10 में से 9 गई तो कितना बचेगा, 1। तो दोस्तों 1 वह संख्या है जिसे मैं 3 में जोड़ दूँ और 5 में जोड़ दूँ तो हमारा अनुपात 2:3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने 3 में 1 जोड़ दिया, अनुपात 5 में 1 जोड़ दिया, तो 3 × 4 अनुपात, 5 × 6। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप 4:6 को सरलतम रूप में बना लीजिए। दोस्तों सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं एक ही संख्या से कट रही होती हैं तब उन्हें डिवाइड कर लिया जाता है, और जब तक डिवाइड किया जाता है जब तक वो सारी संख्याएं एक ही संख्या से कट रही हैं। 4 और 6 एक ही संख्या से कट रही है तो उन्हें काट लेंगे। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 4 अनुपात, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 तो 2:3 हो गया। तो दोस्तों यदि मैं 3 में 1 जोड़ दूँ, 5 में 1 जोड़ दूँ तो अनुपात हमारा 2:3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रिक है वो एकदम सही है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 2 संख्याएं 7:9 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, हमें प्रश्न में 2 संख्याएं दी गई हैं 7:9, और हमें प्रश्न में कहा गया है यदि मैं 7 में 5 जोड़ देता हूँ और 9 में 5 जोड़ देता हूँ तो हमारा नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो 2 संख्याएं जो हैं ये हमारी, इन 2 संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें आप किस प्रकार से हल करेंगे ये समझिए। हमारे पास 2 संख्याएं हैं तो पहले आप 1 डालिए, 2 डालिए। 2 संख्याओं में हमारी पहली संख्या क्या है, 7, और दूसरी संख्या क्या है, 9। तो दोस्तों पहले नंबर के नीचे आप 7 लिखिए, दूसरे नंबर के नीचे आप 9 लिखिए। तो दोस्तों यदि मैं 7 में 5 जोड़ देता हूँ, 9 में 5 जोड़ देता हूँ तो हमारा नया अनुपात कितना बन जाता है, 4:5। तो दोस्तों हमें अनुपात कितना बनाना, हमें अनुपात बनाना 4:5। तो 4 हमारी पहली संख्या होगी, 5 हमारी दूसरी संख्या होगी। तो आपको करना क्या है, आपको 7 के नीचे 4 लिखना है, 9 के नीचे 5 लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं 7 में 5 जोड़ता हूँ, 9 में 5 जोड़ता हूँ तभी तो हमारा अनुपात 4:5 होता है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं 4 के नीचे 5 लिख लूँगा और 5 के नीचे भी 5 लिख लूँगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको कैंची गुणा करनी है, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है और इस 5 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है। तो दोस्तों मैं 5 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो हो जाएगा मेरा 5 × 5 माइनस। अब 5 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो हो जाएगा दोस्तों मेरा 5 × 4 अपॉन। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आपको 4 की मल्टीप्लाई 9 से करनी है और 5 की मल्टीप्लाई 7 से। तो 4 की मल्टीप्लाई 9 से करूँगा तो हो जाएगा मेरा 9 × 4 माइनस, 5 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगा तो हो जाएगा मेरा 7 × 5। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई 5 से करिए तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा कितना हो जाएगा, 20 अपॉन, 9 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा कितना हो जाएगा, 36 माइनस, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा कितना हो जाएगा, 35। 25 में से 20 गई तो कितना बचेगा, 5, 36 में से 35 गए कितना बचेगा, 1, और 5 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। दोस्तों ये जो संख्या ज्ञात हुई है आपको 5, इस 5 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, किस में,
जो दो संख्याएं हमें अनुपात में दी गई हैं 7:9 में, आपको 5 की मल्टीप्लाई पहले 7 में करनी है, फिर 9 में करनी है, और फिर ज्ञात करना है कि इन दो संख्याओं में बड़ी संख्या है कौन सी। तो पहली संख्या क्या है हमारी 7, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 7×5=35। दूसरी संख्या क्या थी हमारी 9, 9 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 45। तो 35 और 45 में बड़ी संख्या कौन सी है 45। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है, बड़ी संख्या क्या थी 45। तो दो संख्याएं थी, एक तो 35 थी एक 45 थी, इनमें सबसे बड़ी संख्या 45 थी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से हल करने हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, हमें प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में, यदि मैं 2 में से 5 घटाता हूँ और 3 में से 5 घटाता हूँ तो हमारा नई संख्याओं का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो ये जो दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आप किस प्रकार से हल करेंगे ये समझिए। हमसे कहा गया है दो संख्याएं, तो दोस्तों पहले मैं 1 डालूँगा, 2 डालूँगा। दोस्तों पहली संख्या हमारी 2 है, दूसरी संख्या हमारी 3 है। तो दोस्तों 1 के नीचे मैं 2 लिखूँगा, 2 के नीचे मैं 3 लिखूँगा। अब दोस्तों यदि मैं 2 में से 5 घटाता हूँ, 3 में से 5 घटाता हूँ, तो हमारा नई संख्याओं का अनुपात क्या बन जाता है 3:5। 3 हमारी पहली संख्या, 5 हमारी दूसरी संख्या है। तो दोस्तों आप करेंगे क्या, 2 के नीचे 3 लिखेंगे, 3 के नीचे 5 लिखेंगे। दोस्तों यदि मैं 2 में से 5 घटाता हूँ, 3 में से 5 घटाता हूँ, तभी तो हमारे नई संख्याओं का अनुपात 3:5 बनता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको 3 के नीचे 5 लिखना है, 5 के नीचे 5 लिखना है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको कैची गुणा करनी है। क्या करनी है दोस्तों, कैची गुणा 5 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है। तो 5 की मल्टीप्लाई मैं 5 से करता हूँ तो दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 5×5 माइनस, फिर दोस्तों आपको 5 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है तो क्या हो जाएगा मेरा 5×3 अपॉन। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको 3 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। तो 5 की मल्टीप्लाई मैं जब 2 से करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा 5×2 माइनस, 3 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा मेरा 3×3। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी कितना हो जाएगा 25 माइनस, 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी कितना होगा 15 अपॉन, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दिया कितना होगा 10 माइनस, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दिया कितना हो गया 9। 25 में से 15 गए, कितने बचेंगे दोस्तों 10, 10 लिख दिया अपॉन, 10 में से 9 गए कितना बचेगा दोस्तों 1, तो दोस्तों अपॉन में 1 लिख दिया। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10। तो दोस्तों 10 संख्या हमें ज्ञात हो चुकी है। अब दोस्तों ये जो 10 हमें ज्ञात हुई है, इस 10 का करना क्या है आपको, इस 10 की मल्टीप्लाई आपको 2 में करनी है और इस 10 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है। क्यों, क्योंकि दो संख्याएं जो हैं उन संख्याओं का अनुपात हमें 2:3 में दिया गया है। तो यदि उन दो संख्याओं को हमें ज्ञात करना है तो हमें 10 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, 10 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है। तो 2 हमारी पहली संख्या है, 3 हमारी दूसरी संख्या है। तो दोस्तों मैं पहली संख्या लिखूंगा बराबर, पहली संख्या 2 है, 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 10 से, तो 2×10 10×2=20। दूसरी संख्या क्या थी हमारी, दूसरी संख्या 3 थी अनुपात में, और 3 की मल्टीप्लाई 10 से करनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो 3×30, तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात होगी 30। अब दोस्तों हमारी दो संख्याएं जो थी, जो अनुपात में हमें दे रखी थी, वो 20 और 30 थी। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 20 है। तो दोस्तों इसका सही आंसर 20 आएगा, छोटी संख्या हमें ज्ञात हो चुकी है 20। तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपको इस प्रकार से हल करने हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।